हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निका राकेश में। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ कि आरोग्य सेतु ऐप के ऊपर कैसे उसे डाउनलोड करना है, कैसे उसे यूज़ करना है, कैसे आप जान सकते हैं कि आपके आसपास में कोई कोरोना संक्रमित है कि नहीं है। तो गाइस, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों सोचा कि ऐप ही लॉन्च करे? क्योंकि गाइस, जानते हैं आप लोग कि भारत कितना बड़ा देश है। भारत बहुत ही बड़ा देश है, ये तो बात आप लोग को पता ही होगा, जिसमें आबादी भी कूट कूट के भरी है। तो भाई, गवर्नमेंट कैसे चेक करे इतने सारे लोगों को, कैसे मतलब उसको क्वारंटाइन में चेक करे कि इनमें से कौन कौन बंदा है जो कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ऐप लॉन्च कर दिया जाए जिससे आसपास में पता चल सके कि हाँ, कोई कोरोना संक्रमित है कि नहीं है। क्योंकि भाई, मोबाइल तो आजकल सबके पास होते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन तो सबके पास है, हर एक घर में एक ना एक एंड्रॉयड फ़ोन तो एटलीस्ट होता ही है। और जियो का सिम का तो बात ही छोड़ दो, वो तो सभी के पास होते हैं, क्योंकि भाई इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट तो सभी के पास रहेगा ही। तो गवर्नमेंट ने अपना दिमाग लगाते हुए यूज़ किए कि क्यों ना इंटरनेट की सहायता से हम बताएं कि हाँ, आपके पास अगर आपके आसपास में कोई कोरोना संक्रमित है कि नहीं है। तो भाई, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप, जिसका आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उस ऐप का फोटो स्क्रीन पे देख सकते हैं गाइस। तो जैसा कि ये ऐप है आरोग्य सेतु ऐप, जिसे NIC ई गवर्नमेंट मोबाइल ऐप्स ने बनाया है। तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर पर, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो गाइस, चलिए इसे डाउनलोड होने देते हैं। तब तक मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे गाइस, क्योंकि ऐसा ही अमेजिंग ट्रिक्स वाले वीडियो मैं लाता हूं और कुछ अमेजिंग वीडियो भी लाता हूं जो आपको बहुत यूजफुल हो सकती है। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि भाई आपका एक सब्सक्राइब इस बंदे को लगता है कि हाँ, मैं कुछ काबिल हूँ भाई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये डाउनलोड हो चुका है, तो चलो इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करते हैं, आपके पास बहुत सारे लैंग्वेज आएंगे, इंडिया में जितने लैंग्वेज है सारे लैंग्वेज में ये ऐप है, एटलीस्ट सारे लैंग्वेज में ये ऐप उपलब्ध है। तो मुझे अगर हिंदी चूज करना है या इंग्लिश, तो मैं चले इंग्लिश चूज करता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद आपसे कुछ पूछा जाएगा, परमिशन नेक्स्ट करते जाइए आराम से नेक्स्ट, और उसके बाद आपको रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के बाद ये आपका लोकेशन मांगेगा, क्योंकि आपके आसपास में ही तो बताना है ना कि हाँ, कोरोना वायरस के कोई संक्रमित पेशेंट है या नहीं है, या आपके अगल बगल में है। तो सबसे पहले इसके बाद आपको जो अपना लोकेशन अलाउ कर देना है इस ऐप को, और अलाउ करते हैं उसके बाद सबसे ज़रूरी इसमें क्या है, आपको आपका जो ब्लूटूथ है फ़ोन का, वो आपको हमेशा ऑन रखना होगा अगर इस ऐप को आपको यूज़ करना है। तो चलिए ब्लूटूथ भी ऑन कर देते हैं। इसके बाद आपका जो फ़ोन नंबर है वो मांगेगा, क्योंकि इसमें भी लॉगिन करना पड़ता है गाइस। तो जो मेरा फ़ोन नंबर वो मैं दे देता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना फ़ोन नंबर इसमें डाल दिया है, इसमें मैं फिल कर चुका हूँ। उसके बाद मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट करते हैं, एक OTP आएगा, जो मेरा OTP आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद ये ऐप ओपन हो चुका है। इसके बाद ये ऐप में कुछ कुछ पूछता है, आपका पर्सनल डिटेल और कुछ कोरोना वायरस से रिलेटेड सवाल पूछता है। तो जैसे कि पर्सनल डिटेल में पूछ रहा है कि आपका जेंडर क्या है, तो मैं मेल हूँ तो मैं मेल डालूंगा। उसके बाद आपका नाम पूछेगा, तो गाइस मेरा नाम जो है मैं वो डाल देता हूँ, राकेश राज यदुवंशी, राज यदुवंशी। तो गाइस, मैंने अपना नाम इसमें फिल कर दिया। उसके बाद आपका एज पूछेगा, तो मैं 18 ईयर का हूँ, तो अपना एज इसमें डाल दूँ, जितना एज है आपका, जितना एज होगा उतना आप इसमें प्रोवाइड कर दे। उसके बाद आपका प्रोफेशन पूछेगा, आप क्या हैं, लाइक डॉक्टर, नर्स, पैराडेमिक, पुलिस ऑफिसर जो हैं, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, अगर उसमें से आप कुछ नहीं हैं तो नॉन ऑफ एबव पे क्लिक करें। और उसके बाद आपका कंट्री से पूछेगा कि आप पिछले 30 दिन में कंट्री से कहीं बाहर गए थे या नहीं। यहाँ सिंपली आपको नन जो फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, नन बहुत सारे पहले तो इसमें बहुत सारे जो जगह हैं जो दूसरे कंट्री, उसका ऑप्शन मिलेगा, और सबसे ऊपर मिलेगा नन, नन पे क्लिक कर दे, क्योंकि हम लोग कहीं गए तो है नहीं आज। उसके बाद आपको पूछेगा वॉलंटियर इन टाइम नीड, तो गाइस अगर नीड है तो यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो, मेरे को नहीं है मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद पूछेगा कन्फर्म सबमिशन, ये सब आपका सही है, तो अगर सही रहेगा तो कन्फर्म करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद पूछता है कि गाइस आप लोग फीलिंग वेल कर रहे हैं, मतलब कि अच्छे फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो हाँ अच्छे फील कर रहा हूँ, सिंपल बात है भाई, अच्छे कर दूंगा। उसके बाद कुछ पूछता है, टेक 20 सेकंड सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, तो चलिए यस पे क्लिक कर देते, देख लेते ये क्या है।
ओके, उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे खुलेगा जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ओके गॉट इट कर देते हैं। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, प्लीज नोट दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चैट विल बी यूज्ड टू मॉनिटराइजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ करंट हेल्थ क्राइसिस एंड रिसर्च इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19। तो इसमें मतलब कुछ ऐसा पूछ रहा है कि आपको बुखार उखार ऐसा कुछ है कि नहीं, लाइक आपको कफ है, बुखार है या फिर सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइस ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है, तो नन ऐप पर क्लिक करके हम लोग सिंपली आगे चले जाएंगे। आगे जाते ही ये पूछता है कि आपको ये सब चार ऑप्शन मतलब कि डायबिटीज, हाइपरथर्मिया, लंग डिजीज और हार्ट डिजीज, इस चारों में से आपको कोई बीमारी से संक्रमित तो नहीं थे पहले से। तो गाइज नहीं है तो नन ऑफ अबव करके चले जाएंगे। अगर होंगे तो जो बीमारी वो बताना पड़ेगा गाइज, क्योंकि अगर आपको मतलब कि बचना है तो जो बोल रहा है वो तो आपको करना ही होगा। उसके बाद आपको पूछ रहा है पिछले 14 दिन में आप कहीं ट्रैवल किए हैं कि नहीं, तो गाइज नहीं किए हैं, सिंपल है, तो नो पे क्लिक करना है। उसके बाद बीच में तुम बताइए, तो गाइज इसमें पूछ रहा है कि आप पिछले दिनों में कोई कोरोना वायरस पेशेंट के साथ टच में आए हैं कि नहीं आए हैं, तो नहीं आए हैं तो नहीं बोलेंगे, अगर आए हैं तो जो ऑप्शन दे रहा है उसमें आपको क्लिक करना है कि हाँ आए हैं। उसके बाद कुछ मतलब कि सारा चीज़ हो गया। उसके बाद आपको नीचे लिखता है कि हाँ यू आर सेफ, और उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा। तो इसमें आप टेस्ट अगेन कर सकते हैं या फिर इसमें देख सकते हैं आपको क्या क्या करना है, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, मेक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट या चेक रेगुलरली फॉर अपडेट। ये तीन ऑप्शन हैं, आप चाह इसमें मतलब कि बता रहा है कि आप कैसे सेफ रह सकते हैं। आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं यू आर सेफ। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो डॉक्टर आके आपको चेक करेगा घर पे। और उसके बाद जो ऊपर आप देख सकते हैं कोविड अपडेट, तो इसमें आपको बताएगा कि हाँ कोविड में अपडेट में तो लाइक कितने मतलब कि कितने अभी तक पेशेंट इंडिया में हो चुके हैं। और लास्ट में ई पास, ई पास क्या है, तो ई पास अभी बनेगा, अभी कमिंग सून है, कुछ दिनों में बनने के लिए इस पर बात चल रहा है कि कोई भी अगर बंदा अगर कुछ काम है उसको जाना जरूरी है रोड पर, क्योंकि लॉकडाउन पूरे इंडिया में लग चुका है, आपको पता ही होगा लॉकडाउन भी बढ़ चुका है, तो जाने के लिए ये ई पास बनेगा। इसको आप दिखाकर गवर्नमेंट या पुलिस ऑफिसर को दिखाकर आप जा सकते हैं, वरना आप नहीं जा सकते। तो गाइस ये है आरोग्य सेतु ऐप का पूरा डिटेल, आप कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।